हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छतरपुर में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ गत रविवार को तमराई मोहल्ले के स्वामी जू मार्ग स्थित स्वामी जी मंदिर में हुआ। गाजे बाजे ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के बीच भगवान का रथ महल तिराहा स्थित पुरानी तहसील प्रांगण में बनाए गए विश्राम स्थल पर पहुंचा था, जहां 5 दिनों तक विश्राम करने के उपरांत गुरुवार को भगवान जगन्नाथ पालकी में सवार होकर पुनः मंदिर के लिए रवाना हो गए। विश्राम स्थल पर गुरुवार की शाम लाल कड़क्का रामलीला आयोजन समिति के द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। तमरियाई मोहल्ला स्थित जगन्नाथ मंदिर से माता सीता की जानकी की पालकी अभी उनको लेने आएगी, तब भगवान को यहाँ गाजे बाजे के साथ वहाँ विदा किया जाएगा। कितने दिन यहाँ पर विराजमान रहे भगवान? यहाँ पर 7 तारीख से आज तक विराजमान है। अब यहाँ से आज वहाँ चले जाएंगे, फिर 15 तारीख तक वहाँ आयोजन है। 15 तारीख को विशाल भंडारा जगन्नाथ मंदिर में रखा गया है, मनाने आएंगे वो यहाँ। हाँ, क्या रहता है इस? अब उसकी किंवदंती तो हमें मालूम नहीं है, महाराज बताएंगे। बाकी बीमार होते हैं भगवान, तो खुली हवा को लेने के लिए निकलते हैं, तो उसके बाद सीता माता उनको लेने आती हैं और तब वो जाते हैं। विपिन पौराणिक, स्वामी जी मंदिर के पुजारी। किस तरह से भगवान आज जाएंगे, क्या रहता है पूरा कार्यक्रम, क्या मान्यता रहती है? रथ यात्रा 7 जुलाई को प्रारंभ हुई थी स्वामी जी मंदिर तमरियाई मोहल्ले से। भगवान को जेठ माह की पूर्णमासी में लू लग जाती है गर्मी से, उस लू के कारण भगवान को घर पर मूंग की दाल का प्रसाद लगता है। वो मूंग की दाल का प्रसाद उन्हें मूंग दाल रोटी मिलने से उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो अपनी माता रुक्मणी से लड़ करके ससुराल आते हैं जनकपुर। और यहाँ पर उनको ससुराल में 56 प्रकार की व्यंजनों के साथ स्वागत होता है। 5वें दिन पंचमी को माता रुक्मणी लुवाने आती हैं भगवान को, उसके बाद भगवान अपने पुनः मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे, कितना उत्साह रहा? यहाँ बहुत उत्साह रहा लोगों का। लाल कड़क्का रामलीला समिति ने बहुत अच्छा रंगमंच बनाया, बहुत अच्छे कार्यक्रम करवाए, लोगों के साथ उत्साह रहा, भगवान का बहुत अच्छा स्वागत हुआ, बहुत आनंद आया। आज भगवान यहाँ से विदाई होगी और गोवर्धन टाकी पर भगवान आज और कल 2 दिन विश्राम करेंगे।